पिछले हफ्ते भर से पाकिस्तान ढिंढोरा पीट रहा था कि कतर से उसको 22 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम मिलने जा रही है, लेकिन कतर के सुल्तान पाकिस्तान आए तो सारी आवाजों पर ताले पड़ गए। कमाल की बात यह है कि उधारी मिलने पर जश्न मनाने वाला यह मुल्क कतर सुल्तान तमीम बिन हमाद के जाने के बाद भी दो दिन चुप्पी साधे रहा। इस दो दिवसीय उनकी यात्रा के दौरान कतर की जर्सी मिलने की खबर और इमरान द्वारा दिए गए बल्ले पर ही टीका टिप्पणी का दौर चला, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान के ढिंढोरे फिर बज उठे और कतर से 3 अरब डॉलर की भीख मिलने की खबर पर सारा पाकिस्तान थाली लोटे लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गया। यह इस देश का अद्भुत नजारा होता है। मतलब यह उस भिखारी को भी पीछे छोड़ देते हैं जिसे 1 रुपए के सिक्के के साथ कोई एक कंबल भी भीख में दे देता है। इनका जश्न भी देखने लायक है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। पाकिस्तान को कतर से मिलने जा रहे 3 अरब डॉलर की भीख की घोषणा करने में 2 दिन का वक्त लग गया, जबकि यह ढिंढोरा उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीटा जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के भिखारी आजम इतने लाचार थे कि वे ऐसा बताने की हिम्मत 2 दिन बाद ही जुटा सके। दरअसल अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कतर सुल्तान तमीम बिन हमाद ने पाकिस्तान के सामने भीख के बदले कई बड़ी शर्तें रखी थी। उन्होंने इमरान खान को कहा था कि यदि वह कतर की शर्तों का पालन करते हैं तो उन्हें 3 अरब डॉलर मिल सकते हैं। इनमें पहली शर्त यही थी कि उन्हें नवाज शरीफ और मरियम शरीफ को पाकिस्तान की जेल से मुक्त करके लंदन भेजना होगा, उनके ऊपर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करना होगा। शाहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को पाकिस्तान में राजनीति करने देने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। मतलब कतर ने पाकिस्तान में अपनी नीतियां चलाकर यह भी साबित किया कि इस मुल्क की पूंछ कोई भी मरोड़ सकता है। इमरान खान ने इसके लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। चूंकि पाकिस्तान इस वक्त भीख के रहमो करम पर जिंदा है, इसलिए अंततः उसे कतर की शर्तों को मानना पड़ा। यानी अब कभी भी नवाज शरीफ लंदन जाकर बर्गर खा सकते हैं। पर असली कहानी तो कतर ने सऊदी अरब और पाकिस्तानी दोस्ती में खलल डालकर रची है। मिस्र, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के संबंध वर्ष 2017 से तनावपूर्ण चल रहे हैं, जबकि कतर के संबंध ईरान से काफी नजदीक रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को अपने मुल्क में आमंत्रित करके गलत के इन मुस्लिम देशों को रुष्ट कर दिया है। बड़ी बात यह है कि तमीम बिन हमाद ने कतर के साथ रहने की शर्त पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर देने की बात कही थी। हालांकि मुशर्रफ के कार्यकाल में भी जब नवाज शरीफ और अन्य नेताओं को पाकिस्तानी जेलों का सामना करना पड़ा था, तब भी कतर ने हस्तक्षेप करके उन्हें मुक्त कराया था। मगर अब परिस्थितियां भिन्न हैं। अब तक पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर की भीख मांग चुका है। अब इनसे और भीख की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए पाकिस्तान अन्य मुस्लिम देशों का रुख कर रहा है। पर इससे पाकिस्तान की कूटनीति के प्रकच्छे भी उड़ रहे हैं। वर्तमान में तो पाकिस्तान हाथ जोड़कर डॉलर मांग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी होगी। यह ठीक उसी तरह है जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वह उस वक्त केवल अपना ही फायदा सोचता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और कतर की इस दोस्ती पर सख्त संदेश पाकिस्तान को भेज दिया है। सऊदी विदेश मंत्री ने कतर को आतंकवादियों का हिमायती मुल्क बताकर पाकिस्तान को सचेत रहने की सलाह दी है। मगर भीख के लिए गिड़गिड़ाता पाकिस्तान सब कुछ दरकिनार करके बस डॉलर बटोरने में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि कतर ने पाकिस्तान द्वारा उसकी शर्तों को मानने के बाद 9 अरब डॉलर के निवेश का लालच भी पाकिस्तान को दिया है, जिससे सऊदी अरब और भी अधिक चिढ़ गया है। पर यह पाकिस्तान है, धूर्त और बक्कार देश। यह मक्कारी इसके खून में है और इस देश के मदरसों से मिली तालीम में इसकी नस्ल ने धूर्तता ही सीखी है। पाकिस्तान जिस चालबाजी को धरातल पर कामयाब बनाने के लिए यह ड्रामा कर रहा है, उसकी जड़ें अब पल्लवित हो रही है। पाकिस्तान कतर को आमंत्रित करके सीधे सीधे सऊदी को संदेश भेज रहा है कि अगर वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा तो वह अन्य मुस्लिम मुल्कों से मदद की गुहार लगाएगा, बेशर्ते वह सऊदी के दुश्मन ही क्यों ना हो। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन को भी पाकिस्तान ऐसा ही संदेश भेज रहा है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान पर कतर द्वारा बेची गई LNG का 1.5 अरब डॉलर से अधिक का बकाया है, मगर वह सऊदी अरब से पाकिस्तान को दूर करने की खातिर बहुत कुछ दांव पर लगा रहा है। मतलब पाकिस्तान तो धूर्त है ही, कतर उससे भी बड़ा महाधूर्त है। सितंबर 2018 में इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सऊदी पहुंचे थे, सऊदी ने उस वक्त भी पाकिस्तान को सऊदी और कतर में से एक को चुनने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी को ठेंगा दिखा दिया। पाकिस्तान में अब खबरें ऐसी भी चल रही है कि सऊदी के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी फरवरी यात्रा के दौरान जो सहायता पाकिस्तान को देने की घोषणा की थी, उसमें सऊदी ने शर्तें लादनी शुरू कर दी है।
इससे पहले इमरान खान जो भीख अपनी यात्रा पर सऊदी से मांग कर लाए थे वह आखिरी भीख ही साबित हुई। यानी पाकिस्तान जो चालबाजी अपने कथित मुस्लिम मित्र देशों के साथ चल रहा है अब उसमें घिरना भी शुरू हो चुका है। पर फिलहाल इस देश को भीख चाहिए, वह पिछवाड़ा दिखाकर आए या मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान का गधैया नर्तक करके। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।